नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और नई जानकारी देंगे। आज जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं उसका नाम है चूना। इस चूने से हम बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। यह वही चूना है जिसे हम घर में पुताई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, पान के पत्ते में लगाकर खाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोगों को बहुत ही कम पता है कि चूना खाने से कितने गुणकारी फायदे होते हैं और यह कम से कम 70 से 80 रोगों में फ़ायदा करता है। आज हम आपको चूने के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देंगे और इसको कितनी मात्रा में आपको लेना चाहिए और कौन कौन से रोगों में आप इसे ले सकते हैं। तो आपको पहले हम ये बताना चाहते हैं कि चूना आप किस तरह से खा सकते हैं। दोस्तों, आप जो चूने को गेहूं के दाने के बराबर की मात्रा में लीजिए और इसको पानी के साथ या दही के साथ या दाल के साथ आप ले सकते हैं, पर आपको लेना किस तरह से है ये आपको हम दिखा रहे हैं। आप पहले पानी ले लीजिए 1 गिलास। 1 गिलास पानी में आप 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना लीजिए और उस चूने को उसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह से घोल दीजिए। घोलने के बाद आप इसे पी सकते हैं। अगर आप पानी में नहीं पी सकते तो आप इसको दही के साथ ले सकते हैं। दही में गेहूं के दाने के बराबर चूना डाल दीजिए और उसको आप पी सकते हैं, या लस्सी में डालकर पी सकते हैं, या आप घर में बनी हुई दाल उसमें डालकर भी आप इसको ले सकते हैं। यह बहुत ही गुणकारी है और यह बहुत सारे रोगों को ठीक करता है। दोस्तों, आज हम आपको चूने के बारे में बता रहे हैं कि चूने को आप कितनी मात्रा में लेंगे और हर रोग में अलग अलग तरीके से अलग अलग मात्रा के रूप में लिया जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से रोग में कितनी मात्रा में आपको लेना चाहिए। पहला उपाय बच्चों के लिए है। बच्चों को उल्टी की समस्या है, दस्त की समस्या है, उबकाई आने की समस्या है, या खट्टी डकारें आती हैं, या दूध पीकर उल्टी कर देते हैं, आप इसके लिए 50 ग्राम चूना लीजिए और उस चूने को आधे लीटर पानी में रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह को अच्छी तरह से उसे कपड़े से छान लीजिए। छानने के बाद बच्चे की उम्र के हिसाब से 1 चम्मच या आधा चम्मच आप ले सकते हैं उस पानी को, और उसमें 4 गुना पानी ताज़ा मिलाकर आप बच्चे को दीजिए। बच्चे को उबकाई आना, उल्टी होना, दस्त की समस्या होना, दूध पीकर उल्टा कर देना, ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अगला उपाय उनके लिए है जिनका कान बहता है, जिनके कान से मवाद निकलती है। आप इसके लिए 1 चम्मच चूने का पानी लीजिए और 1 ही चम्मच दूध ले लीजिए। दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर कान में डालिए। कान से मवाद आना या कान से पीप आना जिसे कहते हैं हम, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए है जिनको चोट लग जाती है, चोट लगने के कारण जिसे हम गुम चोट कहते हैं, दर्द की समस्या बन जाती है, सूजन की समस्या बन जाती है। आप इसके लिए चूना लीजिए, चूने में हल्दी मिला लीजिए दोनों को बराबर मात्रा में, और उस पाउडर को आप सूजन के ऊपर लगाइए। कुछ ही समय में दर्द भी ठीक हो जाएगा और सूजन ठीक हो जाएगी। अगला उपाय उनके लिए है जिनकी हड्डी कमज़ोर है, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी है। आप इसके लिए चूना लीजिए और चूने को पानी में डाल दीजिए। 6 से 7 घंटे तक आप उस पानी को ऐसे ही रखा रहने दीजिए। 6-7 घंटे बाद उस पानी को ऊपर से उतार लीजिए और अच्छी तरह से कपड़े से छान लीजिए। छानने के बाद उस पानी को किसी शीशी में रख दीजिए आप, और 2-2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार आपको रोज़ लेना है। कुछ ही दिनों में हड्डी जो कमज़ोर हैं आपकी वे मजबूत हो जाएंगी, शरीर में कैल्शियम की कमी है तो वह भी ठीक हो जाएगी। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें गिल्टी की परेशानी है, जिसे ट्यूमर भी कहते हैं हम। आप इसके लिए चूना लीजिए, चूने में शहद मिला लीजिए और उस पेस्ट को आप गिल्टी के ऊपर लगाइए, ट्यूमर के ऊपर लगाइए। कुछ ही दिनों में ट्यूमर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आपके जो दर्द की समस्या है वह भी दूर हो जाएगी। अगला उपाय उनके लिए है जिनके टीके लगाए जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों के टीके लगाए जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद वे पक जाते हैं। आप इसके लिए चूना लीजिए, चूने में हल्दी मिला लीजिए और उस मिश्रण को आप टीके के ऊपर लगाइए। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से घाव ठीक हो जाता है। ये जो संक्रमण की परेशानी है ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है और दर्द भी जो बना रहता है वह ठीक हो जाता है, स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें गठिया का रोग है, जिनके जोड़ों में हमेशा दर्द बना रहता है, कलाई में या घुटने में। आप इसके लिए चूना लीजिए, गुड़ लीजिए और हल्दी लीजिए। उन तीनों को मिलाकर उसका मिश्रण को आप पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को आप उन जोड़ों पर लगाइए, घुटने पर, कलाई पर, कोहनी पर, आपके कंधे पर, जिस जगह भी आपको दर्द हो रहा है जोड़ों में। कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही आराम मिलेगा और कुछ समय पश्चात ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए है जिनके शरीर पर काफ़ी समय से दाद हैं। आप इसके लिए पुराना चूना लीजिए और तिल के तेल में मिला लीजिए। तिल के तेल में मिलाने के बाद दाद को अच्छी तरह से साफ़ कर उस लेप को दाद के ऊपर लगाइए। कुछ ही दिनों में आपका दाद ठीक हो जाएगा
और त्वचा निखरकर सुंदर हो जाएगी। अगला उपाय उनके लिए जिनके शरीर पर मस्से या तिल की परेशानी है, आप इसके लिए चूना लीजिए और पान के डंठल लीजिए, जो पान का पत्ता होता है उसका डंठल ले लीजिए। उस डंठल में चूने को लगाइए और मस्से की जड़ में लगाइए आप उस चूने को। एक हफ्ते के अंदर कितने भी बड़े मस्से हों, वे पूरी तरह से झड़कर साफ हो जाते हैं और त्वचा निखर कर सुंदर हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए जिनके सिर में दर्द बना रहता है गर्मी के कारण, आप इसके लिए शुद्ध देसी घी लीजिए, उसमें थोड़ा चूना मिलाइए। उस मिश्रण को आप अपने सिर पर लगाइए, कुछ ही देर में आपके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर लगातार आपके सिर में दर्द बना रहता है तो आप इसको 3-4 दिन लगाइए, यह सिर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको चूने के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जिनके शरीर पर गांठें निकल जाती हैं, सिर में, हाथ पर, पैर पर, पेट पर या किसी भी स्थान पर आपको गांठें निकलती हैं, तो आप गेहूं के दाने के बराबर चूने की मात्रा लीजिए और 1 गिलास पानी में रोज़ अगर घोल के उसे पियेंगे तो कुछ ही समय पश्चात ये सारी गांठें घुल जाती हैं, क्योंकि चूना ही एक ऐसी औषधि है जो पूरे शरीर की गांठों को ठीक करता है। तो जिनको ये परेशानी है वो इसका उपयोग ज़रूर करें, आपको लाभ ज़रूर होगा। दोस्तों, आज हमने आपको चूने के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हम आपके ही माध्यम से आयुर्वेद को हर घर में पहुंचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद शाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।